हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे के आसपास का और हम लोग जा रहे हैं गांव। सासू माँ जो है वो आगे निकल गए हैं, मैं हूँ और कैमरे के पीछे है लावण्या। हम दो जा रहे हैं क्योंकि गांव में है श्राद्ध। कल मेरी एक ननद आई थी इनवाइट करने, तो हमारे यहाँ जैसे श्राद्ध होता है ना, तो वो लोग जो हैं पूरे गांव को ही खाना देते हैं, तो मतलब श्राद्ध खिलाते हैं। तो बस इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं गाँव। तो मैंने कहा चलिए वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। और खूबसूरत सा आज मौसम है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल है। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ मेरे साथ गांव और फिर फटाफट वहाँ से आते हैं। कल है लावण्य का एग्ज़ाम तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए आ जाइए। और ये रही लावण्य। हेलो लावण्य। और इसको इतनी जल्दी हो रही है ना, इतनी जल्दी हो रही है क्योंकि इसके दादी आगे आगे चले गए हैं। तो बस इसको देर इधर से चलना। उधर कहाँ जा रही है? मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं आप लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। तो वो कहीं काम से गए हैं अभी, तो आके वो फिर घर ही आ जाएंगे लंच करने। और सासू माँ ने ना बड़ी स्पीड रखी है, वो आगे ही पहुँच गए, दिख ही नहीं रहे मतलब। और लावण्य पीछे पीछे दौड़ रही है कि मामा जल्दी करो जल्दी करो। और फ़ोन आ गया सासू माँ का। आगे खड़े हैं दादी। तो ये है रेशम की फार्म। काफ़ी टाइम में आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से ना अब पहले यहाँ सारे में ना खेत ही खेत होते थे, आगे की तरफ को भी ये रास्ता जो है वो तंग तंग होता था। आगे की तरफ खेत ही खेत थे लेकिन अब लोगों ने घर बना दिए, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बन गई है। और ये देखिए ये पहुंच गए हम अपने खेत के पास। ये सारा ना यहाँ से लेकर पीछे तक ये हमारा खेत है। और यहाँ पर भी अब ये देखो नहर आई है और सारी जो है वो रास्ते में आ गई है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम दिखाया। चलिए जो नए जुड़ते हैं उनको बता देती हूँ। यहाँ पर हम लोग पहले गाय रखते थे, ये वाले उसमें यहाँ गाय होती थी। और ये सारा पीछे तक जो है, जहाँ तक ये बाउंड्री दिख रही है ना, पीछे तक सारा ये हमारा खेत है। और ये देखो यहाँ पर घास ही घास हो गया है। हाँ रुक जा यार, इस लड़की को जल्दी इतनी है ना, इसकी दादी फ़ोन कर रहे हैं तो इसको ही लग रहा है दादी चले गए, जल्दी आओ। तो यहाँ पर रखते थे गाय और हमारे घर से काफ़ी दूर है, मतलब गाँव वाला जो घर है और ये है गेट। तो यहाँ रखते थे हम पहले लकड़ी डेली शाम को लकड़ी काटा करते थे, सर्दियों में छोटे छोटे पीस बनाते थे, फिर किलटे में लेकर जाते थे घर। वो टाइम भी कुछ और ही था, कुछ अलग ही था लेकिन अच्छा था। अब तो सब लोग जो हैं वो कमरे में बंद है। हाँ काम बहुत ज़्यादा था लेकिन चलो वक्त वक्त की बात है। और गाय दूने आते थे हम शाम शाम को डेली, सुबह 5 बजे 5:30 बजे और रात को 7:15 7 बजे। हाँ तो बस यहाँ से गांव शुरू हो जाता है अब। चलो 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 चलो। अच्छा कैट, मुझे लगा कुछ और है। क्या कुछ है? कुछ क्या दिखा लावण्य को? रहे सासू माँ यहाँ आकर रुके हैं ये हमारे लिए। नमस्ते, कम धो कपड़े। और ये हमारा घर गांव वाला है। तो हम लोग पहुंच गए हैं चाची जी के घर और थोड़ी देर बैठे, उसके बाद यहाँ पर ना फ्री हो गए थे सब लोग, तो हम लोग एंड में ही गए थे। थोड़ा थोड़ा खाना हम लोगों ने खाया क्योंकि सुबह ही फ़ोन आया था। मेरी बुआ जी लगते हैं जो मेरे मायके से ही, मतलब मेरी जहाँ मेरा मायका है वहीं उनका भी मायका है, उनके यहाँ भी श्राद्ध है। तो दो जगह श्राद्ध हमारे गाँव में एक दिन में ही होते हैं और दोनों जगह जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा खाना हम लोगों ने यहाँ खा लिया था और थोड़ा सा फिर हम लोगों ने वहाँ खा लिया था, नहीं तो वो भी नाराज़ हो जाते हैं। अब कोई प्यार से बुलाता है तो जाना पड़ता है। तो चलिए फटाफट यहाँ खाना खाते हैं, उसके बाद दूसरी जगह जाएंगे। 45 का टाइम हो रहा है और अभी जाएंगे हम अपने घर, फिर मैं थोड़ी देर खेलूँगी, उसके बाद मम्मा मेरे को थोड़ी देर रिवाइज करने का देंगे, फिर मुझसे पूछेंगे और मेरा होमवर्क खत्म। अभी चलते हैं, हम आपको दिखाऊंगी मैं अभी।
ये थी हमारी छोटी लावण्या की ब्लॉगिंग, तो मैंने आपके साथ ऐसे ही शेयर की है। इसने बोला था कि मामा मर डालना, मैंने छोटी छोटी सी वीडियोस बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों जगह खाना खाया, उसके बाद मैं आ गई थी मेरी फ्रेंड कांता के यहाँ। ये मेरी फ्रेंड कांता है, पहले भी मैंने बताया है, हमारे मतलब एक ही जगह मायका है। मेरे घर के सामने मायके वाला जो घर है उसके सामने घर मैं दिखाती हूँ ना वीडियोज़ में, वो इसी का घर है। तो इसका छोटा बेबी है, अब आना जाना कम रहता है इसका, नहीं तो पहले ये भी आ जाती थी। तो यहाँ पर आई इसके पास, और जैसे ही इसके घर में पहुंची ना, इतनी तेज बारिश हुई तो इसने मुझे बिठा रखा, और अभी इसे नहीं छाता दिया है। और अब हम निकलते हैं घर की तरफ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो अभी हम निकल चुके हैं और अब हम जाएंगे अपने घर। अब निकल रहे अभी। तो जी 4:45 का टाइम हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। जैसे ही हम लोग आए ना, 2 बजे आए थे ना हम लावण्या, 2 बजे हम लोग आए थे ना, और उस टाइम पर इधर आ जा बेटा, एकदम जब हम लोग खाना खा के फ्री हुए, फिर एक दो जगह गई और फिर बारिश हो गई बहुत तेज शुरू। तो अभी तो मुझे छाता लेना पड़ा और उसे मेरी फ्रेंड से लिया, और फिर जा रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अरे तो भीग ही चुके हैं। जब हम ये छाता देने वापस आएंगे, वापस बारिश लग गई तो हम क्या करेंगे, हम नहीं, अब जब धूप लगेगी ना तब आएंगे हम। नहीं देखो, सुबह धूप लगी थी, बारिश होगी जैसे भी, अभी लगी तो जाएगी वैसी, तो अपने छाते तो लाना ही पड़ेगा जैसे दादी ने लाया था। तो वो ये देखो कैसी बारिश हो रही है, पता नहीं शाम को, मतलब कल भी शाम के टाइम बहुत तेज बारिश लग रही थी और आज भी लग गई है, कल तो सुबह से ही हो रही थी बारिश। तो चलिए अब पहुँचते हैं घर। पैर तो पहन लेती, पैर चप्पल तो पहन लेती हैं, चप्पल तो पहन लेती लड़की। मैं गंदी हूँ क्यों, मैं क्यों गंदी हूँ। मुझे लावण्या हो रही है नाराज़, बोल रही है कि मम्मा आप जल्दी नहीं आए, आप अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे मार रहे थे और अब इसे पढ़ना पड़ेगा भाई, अब मैं वो छोड़ूंगी तो होने। कोई नहीं खेला है, सब पढ़ रहे हैं, सबको पता है पेपर है, फिर ये कपड़े अंदर हो गए हैं ये, मतलब मुझे नहीं लगता आज भी सूखे होंगे। तो हस्बैंड ने खाना खा लिया है इधर, हाँ, और ये मैं लेकर आई हूँ। मैं ना अपनी फ्रेंड के पास बैठी थी तो उनका फ़ोन आया, सासू माँ का, कि उधर बुला रहे हैं तुम्हें, खाना बच गया था ना बहुत, तो फिर ले जाते हैं, मतलब बांट देते हैं। तो मैं मना कर रही थी कि रहने दो, खा लिया है बहुत है, लेकिन उन्होंने बोला ले जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है भैया, फिर मैं अपनी फ्रेंड से बाल्टी लेकर फिर वहाँ गई, फिर लेकर आई। तो अब हमें शाम को खाना कुछ नहीं बनाना है, सासू माँ लेकर आई हैं छोले और दाल मखनी, और मैं, मुझे बोला गया राजमा लाने को, मैं राजमा लाई हूँ। तो अब हम बैठ जाएंगे, मैं और लावण्या बिंदास होके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, गर्म गर्म पानी पीते हैं, और उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं। नहीं हम पढ़ते नहीं, आप मुझसे सुनते हो। हाँ, फिर मैं सुनूंगी, दिन को ये मुझे बोल रही थी मामा सुन लो, लेकिन फिर मैं ना वो करने में लग गई थी, ये चेंज कर दे गीली होगी, मैं लग गई थी वीडियो एडिटिंग में, तो अब मैं इसे सुनूंगी, बस अब मैं इसी को पढ़ाऊंगी और मैं कुछ नहीं करूंगी, आज इसी को पढ़ाऊंगी रात तक। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज बहुत दिनों के बाद जो है एकदम नीला आसमान देखने को मिला है, और इतनी अच्छी धूप खिली है, और ये धूप से आपको देख के लग रहा होगा कि ये धूप जो है ठंड का आगाज़ कर रही है, मतलब धूप सेकने का मन हो रहा है, ऐसा आज मौसम था। और ये देखिए प्लांट्स, आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्लांट्स दिखाया करो, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह जो है वो भी ग्रो हो गई है, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी प्लांट्स को देखना, हमेशा ही मैं आपसे बताती हूँ इस बारे में, तो आप भी देख लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो मौसम मैंने आपको दिखाया, आज बहुत ही अच्छा हो रहा है, एकदम नीला आसमान है, एक भी बादल नहीं है। ये हमारी गुड़िया तैयार हो गई है, वो दिखाओ पहले, ज्योमेट्री बॉक्स दिखाओ, पेंसिल्स कितनी है, इरेजर है, शार्पनर है, दो इरेजर, एक मामा एक शार्पनर ना उसमें है, जाओ एक्स्ट्रा छोटे जाओ, मामा जाओ, रुक जा, शार्पनर नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, इरेजर और पेंसिल तो समझ भी आती है। तो सुबह सुबह ना ऐसी हबड़ा दबड़ी रहती है, और आज मैं इसको आज मैंने जल्दी उठा दिया था, 5:30 उठा दिया था मैंने, लेकिन इसको उठते उठते 6 बज गए थे, ढंग से क्रीम नहीं लगाई पहले, और खाना कुछ नहीं खाया, इसने दूध पिया है, और दूध पी के दूध के साथ बिस्किट दिए, डाल दिया ना सब कुछ, स्केल है उसमें, हाँ अच्छे से लगाओ, 4:00 पे लगाओ, और टाइम जो है वो 8:30 का हो गया है। पहले झाड़ लो पहले शूज़ बेटे, अंदर कीड़े होते हैं कई बार, लाओ मेरे पास।
पापा चले गए ऊपर को, चले गए पापा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नहीं बोलते थैंक यू, गंदी होती। इसके ना पैर में दर्द हो रही है, घुटने में चोट लगी है इसको कल की। तुझे चली गई है लावण्या। हाँ मैं बता रही थी ना रात में ये गिर गई थी, मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था। ये लड़की रात को बाहर गई थी, पता नहीं क्या करने गई थी, शॉप गई थी कि बाहर गई थी, किसी ने आवाज़ लगाई। इसे पढ़ते पढ़ते मैंने इसे पेंसिल लेने भेजा था और ये बाहर चली गई, किसी ने इसे आवाज़ लगाई और बाहर इतनी ज़ोर से आवाज़ आई धड़ूम। दोनों मतलब देवर का बेटा और ये दोनों दौड़ने लगे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और दोनों मतलब गिर गए। इसको ज़्यादा चोट आई, इसको चोट आई, इसके मतलब खून भी निकला घुटने पे, और उसके बाद एक नील भी पड़ गया इसे, मतलब तेज़ लगी है। तो रात से लेकर ये बस चिड़चिड़ी हो गई हुई है, और सुबह भी उठी तो उठी है लेकिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही, जल्दी चलो लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब पे गुस्सा कर रही है, अपने पापा पे भी और मुझ पे भी। आपने ये नहीं किया, मेरी बेल्ट नहीं है, मेरी टाई नहीं है। तो सुबह मैंने इसे पढ़ाया थोड़ी देर और बस अब जो है ये चली गई है। 8:30 हो गए हैं पूरे पूरे, और आज पता नहीं इसका कैसा होगा कैसा नहीं। पढ़ा तो सब कुछ है, बस वही रहता है बच्चों के साथ, थोड़ी टेंशन रहती है। चलो होपफुली अच्छा हो जाए। और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, मैंने कपड़े प्रेस किए थे लावण्या के, अपने भी साथ में ही कर दिए हैं, और बर्तन मैंने रात में नहीं धोए थे वो मैंने अभी वॉश किए हैं सारे। रात ये एक रह गया है, ये मैंने रात में रख दिए थे क्योंकि मैं लावण्या को पढ़ा रही थी, और ये जो है ये करेले वॉश करके रखे हैं, ये मुझे बनाना है। और अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने खाली आटा गूंद कर रखा है और अभी ऐसे ही सारा फैला हुआ है, सुबह ऐसा ही होता है। में ना मैं वहाँ से हम लोग आए, उसके बाद मैं लावण्या को पढ़ाने लगी थी, और फिर इसको पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा चलो मैं वीडियो रहने देती हूँ, पहले इसी को ही पढ़ा लेती हूँ क्योंकि आज पेपर था ना, तो ज़्यादा सरदर्द वाला काम रहता है। कल तो किया तो इसने सब कुछ था, लेकिन बच्चों को जल्दबाजी रहती है कि हो गया सुनाने वाली, तो वो इसको थी। और फिर जब इनसे सुनते हैं, इनसे पूछते हैं, तो इनको आधे से ज़्यादा वर्ड जो है वो नहीं आते, वो हमें बोलने पड़ते। तो फिर मैंने रिवाइज़ करवाया इसको लिख के, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं इसको पढ़ा रही थी और खाना हमारे पास बना था, हलवा खा लिया था हम लोगों ने, मैंने तो खाना फिर थोड़ा सा खाना खाया, और हस्बैंड ने फिर खाना गर्म करके हमें दिया, और बर्तन वर्तन जो है मैंने ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि परसों रात हम लेट सोए थे, तो कल 11 बजे ही हम लोग सो गए थे, नहीं तो मतलब 12 या तो बज ही जाते हैं, 10:30-11 हम लोग सो गए थे। और फिर मैंने कहा सुबह धोऊंगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी इस तरीके से, फिर सुबह जल्दी उठ गई। तो अभी मैंने वॉश किए हैं, जब ये पूरी तैयार हो गई थी तो अभी मैंने बर्तन वॉश किए, आटा गूंदा है, और अब सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी बनाकर पहले मैं किचन से फ्री हो जाऊंगी, फिर करूंगी मैं अपनी सफाई, अपना रूटीन वर्क जो भी मेरा रहता है, फटाफट नहा धोकर हो जाऊंगी फ्री, 12:30 तक लावण्या आ जाएगी। तो मैंने कहा चलिए वीडियो भी कंटिन्यू कर लेते हैं और एंड भी यहीं पर कर देती हूँ। तो यही था वीडियो छोटा सा, और प्लांट्स मैंने आपको दिखा दिए। सुबह सुबह एक कमेंट आया था कि मोनिका प्लांट्स दिखाया करो वीडियो में, वो मैंने आपको सुबह मौसम के साथ दिखा दिए। और बस यही था वीडियो, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी जल्दी से जो है 75K होने वाले हैं तो वो जल्दी जल्दी हो जाए, तो छोटा सा एक सेलिब्रेशन करेंगे। 75,000 लोग जुड़ गए मेरे साथ, पता ही नहीं लगा, एक एक करके जुड़े हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए फिर मिलते हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।